हेलो दोस्तों, के पी सी में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है, एक कंपनी कैंपस प्लस में नहीं लगा रही है दोस्तों। इसमें दो दो कंपनी मिलकर कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है, रोजगार में लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। ग्रेजुएटेड MSc BSc 10th 12th ITI पास आउट वाले बच्चे इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जो MSc किए हैं, BSc किए हैं और जो ग्रेजुएट किए हैं उनको जो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए लिया जाएंगे, और जो 10th 12th ITI है उनको कुशल कारीगर हिसाब से आपको लिया जाएगा दोस्तों। और सबके लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है दोस्तों। और जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। जिनका एज 18 से 30 साल तक है वो इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों दोनों के लिए, महिला और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो जय दोस्तों, इस कैंपस में भाग लीजिए। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नीचे सर कुछ, मैं इसके ऑफिशियल और ऑफिशियल का पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि कब कैंपस प्लस लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, कब जाना है, मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो आप लोग शुरू से तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मैं चलो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस वन की जानकारी जाती है, आईडी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं दोनों कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोजगार भर्ती मेला आयोजन जो सुरेंद्र नगर में ये रोजगार मेला लगाई जा रही है। 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन BSc MSc रिक्वायरमेंट मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, BSc किए हैं, MSc किए हैं, सभी इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन, और भी महिला पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी नाम जो दिया गया है और मैक्सिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो सुरेंद्र नगर में है, और जो क्रेडिट एक्सेस रूलर लिमिटेड ये भी दोस्तों सुरेंद्र नगर में है। ये दो कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए आ रही है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है, पहला कंपनी में जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जो मैक्सिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ग्रेजुएटेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सुपरवाइजर के लिए आपको लिया जाएगा, और जो BSc MSc वाले हैं उनको लिया जाएगा क्वालिटी सुपरवाइजर के लिए। तो दोनों सुपरवाइजर पोस्ट के लिए कैंपस प्लस लगाई जा रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और नीचे के बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो डिप्लोमा मैकेनिकल एंड BA वाले हैं ओनली मेल कैंडिडेट को इसमें ले जाएगा, ओनली जो है पुरुष को इस डिपार्टमेंट में लिया जाएगा जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए। सैलरी एज पर कंपनी रूल के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, फिर भी मैं सैलरी एक बता देता हूँ, इसमें आपका कम से कम 18,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है दोस्तों। एज लिमिट इसमें आपका 18 से 30 ईयर्स दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा इसमें एज लिमिट दिया गया है दोस्तों। बहुत सारे कैंपस प्लस में बहुत कम एज लिमिट दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एज लिमिट दिया हुआ है। जो दूसरी कंपनी है क्रेडिट एक्सेस रूलर लिमिटेड, इसमें जो क्वालिफिकेशन 10th 12th वाले भाग ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। 10th 12th वालों के लिए जो रखा गया है वो महिला पुरुष दोनों बूथ भाग ले सकते हैं, चाहे मेल एंड फीमेल है दोनों भाग ले सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रखा गया दोस्तों 18 से 26 ईयर्स रखा गया है। जिनका एज 18 से 26 साल तक है वो इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं। जो इनका 27 साल हो गया उनको नहीं लिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और आपको जो यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा वो आपको 11,525 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। और आपको जो भी फैसिलिटी होता है वो फैसिलिटी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी होता है कैंटीन बस PFSI ये सब आपको दिया जाएगा। जो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और इन सब का दो जेरोक्स का भी साथ में आप लेके जाइएगा दोस्तों। और एक भी जो है डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, चेक कर लीजिएगा घर में ही, सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स का भी करवा लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जेरोक्स दुकान ढूंढने लगते हैं, फिर जेरोक्स करवा के लाते हैं, ऐसे परेशानी होता है दोस्तों। इसलिए घर से आप सारा कुछ तैयार करके ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। डेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो है कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूट कैंपस ऑन द गिवन डेट एंड टाइम जो दिया गया है वो 8 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है दोस्तों। कहाँ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरव्यू वेन्यू एंड एड्रेस दिया गया है, जिला रोजगार कार्यालय सुरेंद्र नगर, समारोह सुरेंद्र नगर के सामने आप लोगों को पहुँचना है दोस्तों। यहीं पे जाना पड़ेगा 8 मार्च को, तो आप लोग याद रखिएगा, मिस नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उसी का यहाँ पे बैनर भी दिया गया है। तो जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है कैंपस प्लस में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, फैला दीजिए तभी उन लोगों को पता चलेगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।